हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रीति एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग सो गुड। तो आज हम आए हैं वाराणसी के एक काफ़ी फेमस मंदिर में। ये भी वाराणसी का काफ़ी प्राचीन और काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है। यहाँ का नाम है तिल भांडेश्वर मंदिर। जी हाँ, यहाँ का आपको एक अगर चमत्कारी चीज़ बताए तो यहाँ पे शंकर भगवान का जो शिवलिंग है वो कहते हैं तिल तिल बढ़ता है, हर दिन बढ़ता है। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं, इस मंदिर के दर्शन कराते हैं और आपको दिखाते हैं उस शिवलिंग को जो कि यहाँ पे तिल तिल डेली बढ़ता है। तो आइए चलते हैं अंदर। तो भैया ये बताइए, तिल भांडेश्वर मंदिर इतना ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है? आपको बता दें जानकारी के लिए, काशी के 64 घाटों के अंतर्गत काशी दो खंडों में, पहला खंड बाबा विश्वनाथ विश्वनाथ खंड और दूसरा खंड गौरी केदारेश्वर महादेव केदार खंड। तो काशी के 64 घाटों के अंतर्गत गौरी केदारेश्वर घाट के अंतर्गत बाबा श्री तिल भांडेश्वर महादेव, जो कि स्वयं हुए, जिनको कोई बैठाया नहीं है, स्वयं भूमि से प्रकट हुए और हर रोज एक तिल के समान बढ़ते रहते हैं। इनका एक बार दर्शन करने मात्र से काशी गंगा स्नान फल प्राप्त होता है, दो बार दर्शन करने मात्र से प्रयाग संगम स्नान फल प्राप्त होता है और तीन बार दर्शन करने मात्र से गंगा सागर फल प्राप्त होता है। जब भी आप शिव महापुराण पढ़ेंगे, 64वें अध्याय में, काशी के 64वें अध्याय में लिखा है, गंगा तरंग रमणी जमटा कलाम्बन निरित विभूति बंध में आसम प्रयाग गंग दर्शन अलम गंगा सागर तर्मसातम। मतलब काशी गंगा स्नान और प्रयाग संगम स्नान और गंगा सागर, इन तीनों स्नान का फल प्राप्त, दर्शन करने के बाद जितना फल प्राप्त होता है उतना तिल भांडेश्वर महादेव जी का एक बार दर्शन करने मात्र से हो जाता है। ये तो हो गया तिल भांडेश्वर महादेव जी का महिमा वर्णन। अब इसके बाद है बाबा श्री शनीश्वर महादेव, जो कि तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में नीचे की तरफ पीपल के पेड़ के पास है। शनीश्वर महादेव का महिमा, इतनी बड़ी शनि भगवान की मूर्ति पूरे भारत में कहीं नहीं है। शनि शिंगणापुर के बाद काशी में दूसरा स्थान है जहाँ शंकर भगवान का तेलाभिषेक होता है। तिल के तेल के 1 लीटर 5 लीटर 15 लीटर 21 लीटर 51 लीटर जिसका जैसा श्रद्धा होता है तेल से अभिषेक करता है। और तेल से अभिषेक करने का महत्व ये होता है कि जीवन में शनि ग्रह से छुटकारा पाना और शनि ग्रह के पीड़ा से दूर होना। यह है तिल भांडेश्वर महादेव और शनीश्वर महादेव का महिमा। जय बाबा श्री तिल भांडेश्वर महादेव। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मैं विक्की गुप्ता, श्री तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर से फूल विक्रेता। हर हर महादेव। चलिए धन्यवाद भैया इतना कुछ बताने के लिए। तो आपने देखा यहाँ पे ये काफी टाइम से हैं भैया और इन्होंने काफी अच्छा वर्णित किया है तिल भांडेश्वर महादेव जी के बारे में। तो आइए अब चलते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ के बारे में कुछ चीजें बता देती हूँ जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे शिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिरों में दर्शन करने की विशेष परंपरा है। आप जानते ही हैं वाराणसी तो शिव जी के नाम पे ही प्रसिद्ध है। तो शिव जी के प्रसिद्ध तीर्थों में उत्तर प्रदेश के काशी वाराणसी का महत्व स्थान है। काशी में विश्वनाथ जी के अलावा भी कई और पौराणिक महत्व वाले शिव मंदिर हैं। तो फ्रेंड, उन्हीं शिव मंदिरों में से ये भी एक मंदिर है जो कि इतिहास के सैकड़ों साल पुराना है। ऐसा ही प्राचीन मंदिर है ये, जिसे जिसका नाम है तिल भांडेश्वर महादेव। इस मंदिर के संबंध में मान्यता है कि हर साल मकर संक्रांति, जो कि खिचड़ी पड़ती है, उस पे हर साल शिवलिंग तिल तिल कर कर बढ़ता है। तिल के बराबर यह शिवलिंग बढ़ता है मकर संक्रांति के दिन। इस कारण इस मंदिर को तिल भांडेश्वर कहा जाता है। मंदिर से जुड़ी कई सारी कथाएं प्रचलित है फ्रेंड्स। तो तिल भांडेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि पर काफी ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा भक्त यहाँ आते हैं दर्शन के लिए। इस पर्व के अलावा सोमवार और प्रदोष व्रत पर भी दर्शन करने के लिए लोग आ जाते हैं यहाँ पे। आमतौर पर यहाँ भक्त काल सर्प दोष जो होता है, अगर किसी के भी कुंडली में या किसी को काल सर्प दोष है तो वो यहाँ आकर पूजा कर सकता है। मंदिर में कई देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित हैं, आपको बहुत सारे देवी देवताएं यहाँ मिल जाएंगे फ्रेंड्स। और तिल भांडेश्वर महादेव शिवलिंग के संबंध में यहाँ मान्यता प्रचलित है कि स्वयंभू शिवलिंग है, यानी कि यहाँ पे जो शिवलिंग है उसको किसी ने बैठाया नहीं था, वो शिवलिंग यहाँ स्वयं प्रकट हुआ था। ये क्षेत्र ऋषि विभांड के तप स्थली है। ऋषि विभांड यहीं पर शिव पूजा करते थे। भगवान ने उनके तप से प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि शिवलिंग हर साल तिल के बराबर बढ़ता रहेगा। इस शिवलिंग के दर्शन से अश्वमेघ यज्ञ के मिलने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। तिल के बराबर बढ़ते रहने और ऋषि विमांड के नाम पर ही यह इस मंदिर का नाम तिल भांडेश्वर पड़ा था। एक अन्य मान्यता के अनुसार पुराने समय के क्षेत्र
में तिल की खेती होती थी फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इस उस समय क्या होता था कि किसान जो होते थे वो यहाँ पर शिवलिंग उनको दिखाई दिया, तो उन लोगों ने क्या किया कि शिवलिंग की पूजा करनी शुरू कर दी और उस शिवलिंग पर तिल चढ़ाना शुरू कर दिया। इस वजह से भी इसे तिल भांडेश्वर कहा जाता है। यहाँ कथा प्रचलित है कि मुगल बादशाह औरंगजेब काशी आया था। आप तो जानते ही हैं कि औरंगजेब में बहुत सारे मंदिर, हमारे काशी के बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनको तोड़ने की कोशिश की थी, तो उस समय भी बादशाह ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए यहाँ सैनिक भेज दिए थे। जैसे कि सैनिकों ने शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की थी तो शिवलिंग में से रक्त बहने लगा था। ये चमत्कार देखकर सभी सैनिक यहाँ से भाग गए थे। एक अन्य कथा अगर मैं आपको बताऊं तो एक बार अंग्रेज ने जब उनको ये पता चला कि मतलब क्या ऐसी सत्यता है कि वहाँ पे शिवलिंग बढ़ता है, तो उन लोगों ने क्या किया कि शिवलिंग के चारों ओर धागा मजबूती से बांध दिया था और उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ समय बाद वह धागा टूट गया था। तो इससे फ्रेंड्स ये साबित हुआ था कि यहाँ पे शिवलिंग जो बढ़ने की सत्यता है वह सच है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, यही है सर्वेश्वर महादेव का मंदिर। अगर आपको या किसी को भी, किसी को जैसे कि शनि की प्रॉब्लम है, शनि ग्रह दशा चल रही है, तो वो यहाँ पे आके तिल का तेल चढ़ाएगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा फल मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।